वेलकम डीएसडी नामे चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है सन एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इस वीडियो में सन और न्यूक्लियर एनर्जी अर्थात सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमारा जो टर्म है सन, सन से क्या क्या पॉइंट्स बनता है और क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। सन है क्या? तो इट इज ए स्टार, सन एक तारा है। स्फीयर ऑफ फायर, सन एक क्या है? गोला है। और सन जो होता है उसके नाभिक में हमारा जो रिएक्शन होता है उसका नाम है नाभिकीय फ्यूजन, यानी ये न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन क्रिया। इसमें होता क्या है? तो दो ये हमारा हाइड्रोजन का तीन गो आइसोटोप होता है, वो आइसोटोप आपका H11, H21 और H31। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ से डायरेक्ट इसका नाम भी पूछता है, इसलिए आप नाम याद रखेंगे। यहाँ पे ड्यूटेरियम क्या करता है, आपस में कंबाइंड करके यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एनएफ का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके हीलियम 3+1 न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। क्या करता है? 1 न्यूट्रॉन का निर्माण करता है और काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और यही एनर्जी जो है हमारे अर्थ सरफेस पे क्या होता है, लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में इंसिडेंट यानी कि आपतित होता है। और ये एनर्जी इतना अधिक होता है कि देखिए आप यहाँ पे लिख दिए हैं, स्पेस नहीं था, कि यहाँ पे जो सन से एनर्जी होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में 1.36 किलो जूल एनर्जी इंसिडेंट होता है। इसका मतलब इसको ऐसे समझेंगे, अगर कोई हमारा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, क्या ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस पे 1 सेकंड में 1.36 जूल, कितना 1.36 किलो जूल एनर्जी इंसिडेंट ऑब्जर्व हो जाता है। होता है लेकिन क्या है, जो सन से एनर्जी निकलता है ये तो इंसिडेंट करता है कितना, 1 मीटर स्क्वायर पे। अगर 5 मीटर पे निकालने के लिए बोले तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सेकंड बोलेगा तो भी हम 5 कितना इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम अगर यहाँ पे एक सवाल नमक बनता है कि किसी भी 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे 6 सेकंड में कितना बनेगा, तो 10 गुना 6 गुना ये कर देंगे, आपका टोटल एनर्जी क्या होगा, वो इंसिडेंट करेगा, वो निकल जाएगा। ये नमरिकल यहाँ पे बनता है, नमरिकल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से निकलता है, क्यू बराबर 1.36 गुना टी गुना एरिया। टी गुना क्या हो गया? एरिया। एरिया आपका हो गया वो क्षेत्रफल हो गया कि जिस क्षेत्र पे निकालना है, टी हो गया कि कितना समय में आपको निकालना है, यानी समय और क्षेत्रफल को 1.36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो एनर्जी आ जाएगा किस में आ जाएगा, ये किलो जूल में आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है जितना भी सन से एनर्जी निकलता है किससे, नाभिकीय संलयन क्रिया से यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपका 53% जो एनर्जी हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वो एनवायरमेंट में वो वापस लौट जाता है। ओनली हमारा 47% ही एनर्जी होता है जो हमारे कितना पृथ्वी पे आता है। और ये जो एनर्जी आता है हमेशा वो आपको फोटोन के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, उसमें भी क्या होता है, अगर जो लाइट है तो हमारे पृथ्वी पर उसको आने में 8 मिनट और 26 सेकेंड का समय लग जाता है। और होता है क्या कि जैसे जैसे हमारा पढ़े हैं लाइट का प्रॉपर्टी, लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ता है तो उसका तीव्रता इंटेंसिटी घटता है। तो याद रखेंगे यहाँ से हमारा इतना रिएक्शन इंफॉर्मेशन मिलता है, पहला इंफॉर्मेशन एक स्टार है, तारा है, दूसरा ये आपका गोला है, इसका एनर्जी जो हमारा पृथ्वी सरफेस पे आता है ओनली 47%, बाकी 53% वो बैक वापस लौट जाता है। पृथ्वी के सरफेस पे 1 सेकंड और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना एनर्जी इंसिडेंट करेगा, तो 1.36 किलो जूल ही इंसिडेंट करता है। इसके बाद इसके रिएक्शन हमारे न्यूक्लियर में कौन सा रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसको नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। रिएक्शन हमारा यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे पूछ देता है कि सन के न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है उसके नाभिक में वहां पे कितने न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है।
तो आप याद रखें ओनली सिंगल न्यूट्रॉन का ही फॉर्मेशन होता है और ये काफी अधिक एनर्जी निकलता है। जो एनर्जी होता है हमेशा ये लाइट के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में निकलता है। चलिए नंबरिकल की हमने यहाँ बता दिया है क्यू इज इक्वल टू 1.36 गुना टी गुना ए। टी क्या हो गया टाइम इन सेकंड, ए क्या हो गया एरिया इन मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रेट है क्या था 1.36 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है। कहता इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। ऐसे भी लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप होता है, यानी यहाँ जो सन से एनर्जी मिलता हमको लाइट यानी कि प्रकाश के रूप में। तो व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन, याद रखेंगे कितने कलर्स का ये कॉम्बिनेशन है सेवन। कौन कौन है वो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे भिवजोर, टेंथ में आप लोग पढ़े हैं पढ़े होंगे भिवजोर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो ऑरेंज और रेड। इसमें हम आगे पढ़ेंगे लाइट के बारे में, यहाँ तुम्हारा ये जानेंगे कि सिर्फ सात कलर का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारा वायलेट का अगर देखा जाए तो वेवलेंथ यानी कि तरंग सबसे कम, रेड का अधिक होता है। हालांकि इसका प्रॉपर्टी होता है एंगल के बारे में निकालते हैं, डेविएशन एंगल के बारे में बात करेंगे ना, स्पीड वेलोसिटी वो वाले वीडियो में देख लेंगे। तो ये सात कलर कौन कौन है आपको ऐसे ट्रिक के तौर पर विजुअल, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, आर से रेड होता है। ये सात कलर होता है। जैसे ही कहीं पे आग जलेगा तो उसके पास दो सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस एक होगा इनर सरफेस, बाहरी सतह और आंतरिक सतह। सर के बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखना, और ये जो उसके आंतरिक का होता है 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आंतरिक सरफेस का जो टेम्परेचर तापमान होता है 15000 डिग्री सेल्सियस और बाहर का ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए इसका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं किसे, तो नाभिक जो भी हमारा किसी प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन से जो भी एनर्जी उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा दो प्रकार का, एक होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा क्या था ये फिजन। फ्यूजन में क्या होता है विखंडन होता है, क्या था ये विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन। और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिजन होता है, क्या ये फिजन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टूटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल हमने दे दिया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है कि एक हमारा क्या होता है मोडेड स्पीड का मंद गति का न्यूट्रॉन होता है यूरेनियम 235 पे जाके टकराता है यानी कि बमबारी करवाते हैं, तो ये टूट जाता है हमारा दो पार्ट में, एक का नाम है बैरियम दूसरा का नाम है क्रिप्टन, और यहाँ से तीन न्यूट्रॉन निकलता है। हालांकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है आपको पता है तीन न्यूट्रॉन के अलावा यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकलता है। कितना निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये डायरेक्ट एनर्जी पूछ देता है कि एनर्जी कितना निकलता है, यानी कि यूरेनियम जब भी टूटेगा तो वहां पे हमारा एनर्जी निकलेगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 1.5 गुना 10 के पावर माइनस 10 जूल आ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल, किसका वैल्यू हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यूरेनियम टूटेगा तो बैरियम और क्रिप्टन बनेगा। यहाँ पे आप तीन चीज इंपोर्टेंट, पहला रिएक्शन इंपोर्टेंट है, दूसरा यहाँ पे एनर्जी कितना निकलता है, और इसके जगह पे क्या करता है आपको ये ना अल्फा दे देता है, और पूछ देता है कि अल्फा का मान क्या, ऑप्शन में देगा एक न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन तीन न्यूट्रॉन चौथा दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा हर एक हाल में तीन न्यूट्रॉन ही होता है। कभी कभी होता ना कि इस रिएक्शन को यहाँ 35 लिए थे, अगर यहाँ पे हम 38 लेते तो यहाँ पे 43 हो, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। यूरेनियम का अलग अलग आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है, सपोर्टेड के यहाँ पे हम 38 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 43 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम 35 लेके बना है यही हमारा सूटेबल होता है, इसलिए हम 41 ही लेते हैं। चलिए इसके बाद आता है चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन हमारा क्या है विखंडन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। उसमें होता है क्या, इसमें चैन रिएक्शन एक से तीन न्यूट्रॉन, तीन से नौ और नौ से कितना 27 प्रकार से वो निकलता जाता है। यहाँ पे देखिए एक हमारा मंद गति का न्यूट्रॉन था, कितना था ये मंद गति का न्यूट्रॉन, यूरेनियम से जाके टकराया
तो आप देख रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन कितना बनाता है, तीन, किस रिएक्शन में, विखंडन अभिक्रिया में ही देख रहे हैं। तो एक से तीन बना, एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, तीन, और ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से जाके क्या करेगा, ये टकराएगा और कंटिन्यू करेगा, एक से तीन, तीन से नौ, नौ से सताईस, सताईस से इक्यासी, इक्यासी से 243, इस प्रकार से कंटिन्यू न्यूट्रॉन क्या करेगा, वो फॉर्मेशन होते जाएगा और विस्फोट होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, चैन रिएक्शन बोल देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो बम वगैरह आधारित होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे क्या था, वो बेस्ट होता है, अगर उसकी चर्चा करेंगे बम किस पे काम करता है। लेकिन याद रखना सन के हमारा जो नाभिक होता है, सूर्य के नाभिक, उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, और यहाँ पे यूरेनियम जो टूटता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे टूटता है। यहाँ पे क्या करता है कि दो हमारा आपस में प्रोटोन आपस में क्या करता है, टकराने के बाद एक प्रोटोन बना देता है, फिर एक न्यूट्रॉन बना देता है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोल देते हैं। तो ये हमारा आपस में न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन कर लेता है, यहाँ भी काफी अधिक एनर्जी में क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे जब दो क्या था प्रोटॉन तेजी गति से टकराता है, तो इस प्रकार से हमारा रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, और इसे रिएक्शन आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक और हमारा आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में एक रिएक्शन दिया, क्या दिया, एक रिएक्शन। एक्चुअल में होता है क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं तो बचपन में क्लास में कि जब भी ये हमारा वेट होगा वो बदलता है जबकि मास नहीं बदलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मास नहीं बदले कब, जब स्टेशनरी कंडीशन विराम अवस्था में होगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका गति बढ़ेगा तो उसका मास घटता है। और यहाँ पे सवाल पूछता भी है कि स्पीड बढ़ने से वस्तु का द्रव्यमान में क्या होता है, तो जैसे ही जैसे उसका चाल बढ़ेगा उसका द्रव्यमान घटेगा, स्पीड घटेगा द्रव्यमान बढ़ेगा, और उसके लिए रिएक्शन हमारा ये दिया हुआ है एम बी बराबर एम नॉट इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बटा में सी, सी हो गया आपका प्रकाश का वेग, भी हो गया किसी बॉडी जो होता है मूविंग करा उसका स्पीड हो गया। अगर भी और सी यानी जिस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है वह वेग हमारा कहलाता है सोनिक वेग कहलाता है, इसको सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या गया, आइंस्टीन ने कहा कि देखिए अगर कोई बॉडी मास का क्या करता है मोशन में जाता है तो उसका मास घटता है, तो ऐसा नहीं कि मास कहीं विलुप्त हो जाता डिस्ट्रॉय होता, हाँ मास जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के आधार पर 1905 ईस्वी में कितना आइंस्टीन ने एनर्जी दिया, E बराबर एम सी स्क्वायर, E हो गया एनर्जी, M हो गया रिड्यूस मास, C हो गया आपका कितना वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसे न्यूमेरिकल भी बनता है। इसमें अब ध्यान रखना इसे आइंस्टीन का समीकरण कहा जाता है, कब दिया गया था 1905 ईस्वी में। E क्या हो गया ऊर्जा हो गया, M क्या हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, C क्या हो गया प्रकाश का वेग हो गया। तो यहाँ से हमारा तीन इन्फॉर्मेशन मिलता है, किसने दिया आइंस्टीन ने दिया, कब दिया 1905 में न्यूमेरिकल के लिए, E बराबर ऊर्जा, M बराबर द्रव्यमान, और C बराबर क्या गया प्रकाश का वेग। अब जानते हैं प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, जिसका मान क्या था 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। हालांकि अप्रोक्स वैल्यू का जो होता है हमारा प्रकाश ऑफ लाइट का 2.98×10⁸ ही मीटर पर सेकंड, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करते हैं इसको अप्रोक्स 3 मान लेते हैं। चलिए यह रहा आपका पहला वीडियो था हमारा इस चैप्टर से न्यूक्लियर रिएक्शन, इसका अगला पार्ट भी हमारे वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवा दीजिए।